इस वीडियो में देखेंगे 20 एमसीक्यू, 10 फिजिक्स से और 10 बायोलॉजी से। तो चलिए बिना समय नष्ट किए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, अवतल दर्पण में भी नहीं बनता है, समतल में बनता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण एक तो समतल होता है और दूसरा कोई एक और होगा। कौन सा? क्योंकि दो दो ऑप्शन दिया गया है, तो एक होता है अवतल। ठीक है, अवतल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, समतल और अवतल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है। वहीं पर अगर हम आभासी की बात करें तो सीधा होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों सही ऑप्शन है। तो यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है। तो करेक्ट आंसर इज आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम पुतली नहीं करता है, लेंस नहीं करता है, पश्चमादि पेशियाँ नहीं करती हैं। कौन करता है? परितारिका। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है? गोलाकार नहीं दिखता है, घनाकार नहीं दिखता है, अंडाकार नहीं दिखता है। इट मीन्स कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो सीधा और बराबर ये समतल दर्पण की पहचान है। तो समतल दर्पण इज करेक्ट। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमने जो है ये पढ़ा कि सीधा होता है, बराबर होता है, लेकिन ये काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बायोलॉजी से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि नहीं होती है, थायराइड ग्रंथि नहीं होती है, अमाशय नहीं होता है, यकृत होता है। यकृत का वजन 1.5 kg से 2 kg होता है। यही बच्चों के शरीर के कुल वजन का 1/20 kg होता है। ठीक है, 1/20 kg बच्चे के वजन के बराबर। ठीक है, यानी कि बच्चे का वजन जितना होगा उसमें आप 20 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उतना यकृत का वजन होगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से यानी कि मादा स्त्री के जन्म देने वाले अंग से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन गर्भाशय के आसपास की पेशियों को लचीलापन प्रदान करता है, यानी शिथिल कर देता है, और
जब चायगोट बन जाता है, यानी कि दुल्हा और दुल्हन, दुल्हा मतलब स्पर्म और दुल्हन मतलब अंडाणु, ठीक है, अंडाणु। तो दुल्हा मतलब स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, गोट का, गोट का नहीं, जायगोट का। फिर क्या होगा कि बच्चे की विकास होना शुरुआत हो जाता है। जब बच्चों का विकास होगा तो ये जो जनन इंद्रियां हैं ये काफ़ी पास पास होती हैं, इनमें जो पेशियां हैं वो इसी तरीके से अगर रहीं तो बच्चा बढ़ेगा कहाँ पे, और बच्चे का विकास कहाँ होता है, यूटेरस में, ठीक है, गर्भाशय में, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यूटेरस में अगर यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे का विकास शुरू हुआ, तो बच्चे का विकास शुरू हुआ तो बच्चा बढ़ेगा ना, और जब बढ़ेगा तो इसको ज़रूरत होगी किसकी, स्पेस की। तो वो स्पेस देने का काम रिलैक्सिंग करता है, इसका काम तब भी पड़ता है जब बच्चे को जन्म देना हो, ठीक है। अगर बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो रही तो एक उस समय इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, यानी कि उस इंजेक्शन से क्या होता है कि इसी हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर क्या होगा कि जो जन्म देने वाला रास्ता है वो शिथिल पड़ जाएगा और आराम से बच्चा बाहर आ जाएगा। इसको हम डिटेल में जानेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों मासिक चक्र में सहयोग करते हैं। एस्ट्रोजन जो मासिक चक्र की शुरुआत करता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन मासिक चक्र की शुरुआत करता है, वही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करने का काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन शुरुआत हो जाता है कितने एज में, 10 से 12 साल की एज में, सिर्फ लड़कियों में होता है, लड़कों में नहीं। और अगर ठंडे प्रदेश की है, जहाँ की जलवायु ठंडी है, वहाँ पे 14 से 15 साल की एज में शुरुआत होती है। जब यह शुरुआत होता है उसी समय से मेमरी ग्लैंड यानी अस्तरों का विकास शुरू हो जाता है, और जनन, ठीक है, जो जनन तंत्र है यानी प्रजनन से रिलेटेड जितने भी ये हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है वो हम लोग रिप्रोडक्शन में देखेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि जितने भी जनन तंत्र हैं उनका विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन को समझ गया। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि गर्भावस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरॉन आपने सुना होगा एक नाम बांझपन, और इसी की कमी के चलते बांझपन आ जाती है। तो हमने जाना जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसको जान गए, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियां वो गतियां होती हैं जिसपे हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उस समय क्या होता है हमारी ज्ञान इंद्रियों पे, हमारे इंद्रियों पे बस होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हार्ट अटैक आता है उस समय हम क्या करते हैं कि हम रोक नहीं पाते हैं, हार्ट अटैक को रोक नहीं पाते कि अब रोक लो। उसके लिए पहले से बताया जाता है, पहले से डॉक्टर सचेत करते हैं कि ये चीज़ें न खाओ, वो न खाओ, क्योंकि इससे हार्ट बीट पे क्या होता है, असर पड़ता है। और क्या होगा, जैसे बोला जाता है कि आयली चीज़ें, आयली में जैसे कि रिफाइन ऑयल न खाइए, कैंसर होता है इत्यादि। तो ऐसे ही बताया जाता है कि हृदय के लिए कौन सी घातक है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, ऐच्छिक गतियाँ वो गतियाँ जिसपे नियंत्रण है, अनैच्छिक जिसपे नियंत्रण न हो। तो जितने भी ये चीज़ें हैं ना, गतियां हैं शरीर की, जितनी भी गतियां हैं उसका हमारा सीपीयू यानी कि जो प्रोसेसर है वो कहाँ है, ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है। और इसी में एक एक यूनिट लगे हुए हैं, एक एक यूनिट एक एक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप सेरिब्रम है, ये किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा ऐच्छिक गतियों, ठीक है। इसमें से ऐच्छिक गतियाँ कंट्रोल करने वाली कोई नहीं है, तो सेरिब्रम ऑप्शन है सही। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित जो करता है वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में यहाँ से खाद्य कण आता है, तो अंतःग्रहण भोजन की बात कर रहा है, तो अंदर कहाँ से जाएगा ये है, तो इसमें जो है जो आता है वो क्या आता है, कुटपाद, कुटपाद, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, जो लार में पाया जाता वो एंजाइम होता है टाइलिन, तो टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण भी करता है और श्वास छोड़ता भी है। ठीक, तो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को स्वच्छोवास बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जब मनुष्य जो है बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है, अब उसके बस का नहीं रहता चलना फिरना, कुछ पहचान नहीं पाता, बड़ी कमज़ोर हो गया, तो उसको दौड़ते हैं लेकर के हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, एक बोतल लाता है और क्या करता है, बोतल ला करके और इंजेक्शन देना शुरुआत करता है। कुछ देर बाद देखते हैं कि आँख भी खुलने लगता है, एनर्जी भी आ जाती है और वो देखने भी लगता है, अपने लोगों को पहचानने भी लगता है। तो क्या करता है कि ये जो बोतल चढ़ाता है ना ग्लूकोज की बोतल होती है, ठीक है, ग्लूकोज की बोतल, तो ग्लूकोज ऑप्शन इज करेक्ट। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है, ठीक है, वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है, तो कोशिकाओं में किससे पहुंचेगा, तो वातावरण की बात हो रही है, तो इसमें क्या आएगा, विसरण, इसमें क्या आएगा, विसरण। दहन में क्या होता है, जलता है, ठीक है। किण्वन, किण्वन का एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे दही का बनना। उसके वजह से प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि अपना भोजन बनाते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, ठीक है, तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है वो होता है विघटन होता है, दहन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, संश्लेषण नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक इस वीडियो को एक बार, दो बार, चार बार, जितने बार देखना है देखिए, और फीडबैक कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।